हेलो गाइस, विष्णु गहलोत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऊपर। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें। आज मैं आपके सामने आरबीएससी 12th बोर्ड राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के 12th आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 12th आर्ट्स के स्टूडेंट जो स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है, जो आर्ट्स के अंदर स्टूडेंट है इंग्लिश लिटरेचर के, जिनके अंग्रेजी साहित्य सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूं। तो सबसे पहले मेरा जो निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अभी इसको पॉज करें, अपनी बुक जो आपके कोर्स में है प्रूडेंस वो बुक लाएं। और आपको पता है प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? जैसे पहले एक इंश्योरेंस कंपनी आई थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बहुउपयोगी। तो जो आपकी बुक है प्रूडेंस वो लीजिएगा और उसकी इंडेक्स खोलिएगा और उस इंडेक्स में पेंसिल से जो जो चैप्टर मैं आपके सामने यहां बोर्ड के ऊपर बताने वाला हूं उनके ऊपर क्रॉस मार्क कीजिएगा। क्रॉस इसलिए मार्क कीजिएगा कि ये चैप्टर इस साल 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, उनके लिए ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो कौन से चैप्टर हटाए हैं, तो इसके लिए आप अपनी बुक अपने पास रखिएगा और बुक का इंडेक्स यदि आप देखेंगे तो शॉर्ट स्टोरीज लघु कहानियों के अंदर से आपके कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, शॉर्ट स्टोरी के अंदर से चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 जो हटाया गया है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी एक बड़ी सेंसिटिव कहानी है जो हटा दी गई, अब तो क्या कर सकते हैं। और थर्ड है अवेयरिंग इन ब्राउन्सविले, ब्राउन्सविले में शादी विवाह समारोह, ये दोनों चैप्टर आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं, इंडेक्स में मार्क कर दीजिएगा। दूसरा पोएट्री के अंदर से आपके कौन से हटे, तो पोएट्री के अंदर नंबर 3 नंबर 5 नंबर 10 3, 5 और 10 नंबर की जो पोएम है वो हटा दी गई है। कौन सी है 3 नंबर की, थर्ड नंबर पोएम है आपकी ऑन शेक्सपियर 1630 ऑन शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई पोएम है वो हटा दी गई है। पोएम नंबर 5 द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये मानवीय जो भावना है वो भी हटा दी गई है। और 10 नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन, द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रूपांतरण, परिवर्तन बदलाव, ये भी आपके जो 10 नंबर पोएम है ये भी हटा दी गई है। फिर अपन चलते हैं नॉन फिक्शन के अंदर, अपन कहते हैं ना फिक्शन फिक्सीशियस, जब कभी भी मूवी शुरू होती है या कोई एपिसोड शुरू होता है तो आप देखते हैं टीवी के ऊपर ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्सीशियस, सारे के सारे पात्र है वो काल्पनिक है। तो नॉन फिक्शन के अंदर जो आपका बुक है वहां से चैप्टर नंबर 4 वो हटा दिया गया है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न, विद्वानों की इग्नोरेंस, अनदेखा करना, उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न। और ड्रामा के अंदर से आपके हटा दिया गया हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, ये ड्रामा का एक पार्ट है जो हटा दिया, पार्ट नहीं है पूरा ड्रामा था। तो ड्रामा वाले पार्ट में से सेकंड नंबर जो ड्रामा आपका हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड ये हटा दिया गया है। तो फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सारी चीज आप पूरे राजस्थान भर के इंग्लिश लिटरेचर के 12th के स्टूडेंट जो 2021 के अंदर बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स के अंदर से इस साल ड्यू टू कोविड, कोविड के कारण से कौन सा जो 40% कोर्स है वो रिड्यूस किया गया है, तो उसका डिस्कशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। वापस से आपकी जो बुक है प्रूडेंस उनकी शॉर्ट स्टोरी में से स्टोरी नंबर 2 और 3 1 सेंटीमीटर एंड अवेयरिंग इन ब्राउन्स विले ये हटा दिया गया है, पोएट्री में से 3, 5 और 10 ऑन शेक्सपियर द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये तीनों पोएम नंबर 3, 5 और 10 ये हटा दी गई है। नॉन फिक्शन में से 4 नंबर जो चैप्टर है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न ये हटा दिया गया है और ड्रामा के अंदर से सेकेंड नंबर ड्रामा हाउ ही लाइक टू हर हस्बैंड ये हटा दिया गया है। अब ये कोर्स तो आज डिस्कस किया है हमने कि ये हटा दिया गया है, अब आपके कोर्स के अंदर जो 60% रिमेनिंग है जो आपको पढ़ना है वो आपको हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। तो हमारे इस चैनल को अधिकतम साथियों तक पहुंचाएं और अब आपके सामने हम डे बाय डे
एक एक चैप्टर आपके सामने डिस्कस करते जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स मैं पूरा करवाऊंगा। थैंक यू गाइज।